सभी ने ऐसा ही कहा है, और जिन्होंने वो सच्चे प्रेमी थे उन्होंने तो उन गुरुदेव की महिमा की, वे समर्थ थे। अपने जैसे निर्बल खोटी बुद्धि वाले कुमति वाले हैं अपन लोग, अपन उन गुरुदेव की महिमा कैसे समझें कैसे करें, बड़ी समस्या। उनके जैसा दाता कोई दूसरा है नहीं, पूरी जगत नहीं पूरा सृष्टि, पूरी सृष्टि भिखारी है, देने वाले तो केवल वे ही हैं। दरनीदार जी साहेब छपरा बिहार में हुए, आपने फरमाया धरणी जहलों देखिए तहलों सबे भिखारी, दाता केवल सतगुरु दे तन माने यार। ऐसा दाता दूसरा नहीं मिलता जो देते हुए हार नहीं मानते, यानी देते हुए कभी थकते नहीं, देते हुए कभी तृप्त नहीं होते। मारवाड़ी में गए तो देते हुए कभी धापते नहीं, जो देकर ही खुश होते हैं। जैसे अपन देकर के खुश होते हैं, जितना मांगते हैं उससे ज्यादा यदि अपने को मिल जाए। कोई काम धंधा करते हैं, खेती बोते हैं, सोचते हैं 10 बीघा में 20 क्विंटल गुवार हो जाएगा तो बहुत अच्छा जमाना है, यदि 25 हो जाए तो कितने खुश होते हैं। अपन लेके खुश होते हैं और गुरुदेव ऐसे हैं जो दे के खुश होते हैं। अपने खेती बोए और अपने खेती में कुछ नहीं होता तो अपन उदास हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव की यदि कोई लेने वाला किसी दिन नहीं मिले तो गुरुदेव उदास हो जाते हैं। ये बात मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, स्वयं महापुरुषों ने फरमाई है, कबीर साहब ने कहा है, सतनाम दन मोज पे खान खुली गट माई, सेंत में सही देता गाहक कोई ना। सेंत मेंत में सतनाम रूपी धन देने को गुरुदेव तैयार हैं और लेने वाले नहीं है, ये समस्या उनके पास है। तो आज अपने बाप जी साहब का 110वां प्रकट दिवस है, 109 वर्ष बाप जी साहब को इस मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप की इस पृथ्वी पर अवतार लीले पूरे हुए, आज 110वां वर्ष लग रहा है। इस तरह से मालिक और भी दया करते हैं, बाप जी साहब जैसे पधारे वैसे मालिक दूसरे रूप में कई बार पधारते हैं, लेकिन अपने नसीब में तो यही अपने नसीब तो अभी खुले, पहले नहीं खुले थे ना, खुले नहीं है, उन्होंने खोल दिए हैं। अब इस उपकार का, इस दया का, इस अनमोल मौके का, अपने भाग्य का भी बखान कैसे किया जा सकता है। शब्द नहीं है, मैं निर्बल हूं, सूझता नहीं है कैसे उनकी आज महिमा करने का मौका उपस्थित हुआ है, वाणी साथ नहीं देती। एक 6 वर्ष का छोटा बालक था प्रहलाद, गुरु थे नारद जी और इष्ट थे भगवान, पुराना संस्कारी था, भगवान का प्रिय पात्र था, गुरुदेव की असीम कृपा थी, अपने इष्ट व्रत पर अडिग रहा और बड़ी कठोर यातनाएं सहन करने पर भी अपने इष्ट के प्रेम को नहीं छोड़ा। भगवान रीझ गए और उसको सताने वाले उसी के पिता का वध करने के लिए भगवान साक्षात खंभे से प्रकट हो गए, नरसिंह अवतार हुआ। दादू साहब ने इष्ट की इस कृपा का वर्णन बड़े मार्मिक शब्दों में किया है कि प्रेम में वह ताकत है कि जो भगवान को पशु का रूप भी धारण करना पड़ा, यानी वह पशु का रूप था, आधा सिंह और आधे इंसान के रूप में थे, सिंह तो पशु होते हैं। देखो चराचर के स्वामी को पशु होने पर, चौपाया होने पर मजबूर कर दिया, किस ताकत ने, प्रेम की ताकत ने। वही बालक के सामने आज प्रसंग दूसरा है, मेरा निवेदन यह है कि जब उस भगवान प्रकट हो गए, उसके पिता हिरण्यकश्यप को मार दिया, तब उस बालक के मन में यह उमंग उठी कि मैं
अपने स्वामी की महिमा करो, उनके गुण गाओ, उनकी वंदना करो। अब 6 साल का अबोध बालक क्या करेगा, मजबूर था वो तो, इतना 6 साल की उम्र में कितना पढ़ा लिखा होता है, कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया है। एक केवल गुरुदेव की कृपा का भरोसा था और उसके पास कोई बल नहीं था, लेकिन उमंग सच्ची थी कि मैं अपने स्वामी की गुणों का गान करूं, आज मेरे लिए प्रकट हुए। भगवान दयालु थे, भगवान ने सोचा बच्चा है हमारी महिमा करना चाहता है। भगवान को महिमा कराने की गरज नहीं थी, लेकिन उसकी बालक की उमंग को रखने के लिए भगवान ने सोचा कि बात सही है, बेचारा महिमा करे तो कैसे करे, छोटा बच्चा है, अबोध है, अबोध बालक क्या करे। भगवान ने सरस्वती जी को हुक्म दिया कि इस बच्चे की मदद करो, ये हमारी वंदना करना चाहता है। सरस्वती जी तुरंत आज्ञा का पालन हुआ, सरस्वती जी उसकी मति में बैठ गई और फिर उस बच्चे ने इतनी सुंदर प्रहलाद पुराण में महिमा की है भगवान की। तो इसी तरह से मैं भी विचार करता हूँ कि आज गुरुदेव की कृपा का, गुरुदेव के उपकार का, उनकी महिमा का याद करने का सु अवसर है। आज उनका प्रकट दिवस है और आज से ये सत्संग का वार्षिक समारोह बाबजी साहब के प्रकट दिवस से ही निमित्त कारण यही है। इसी निमित्त बाबजी ने ये तय किया है, बाबजी स्वयं इसकी परंपरा डाल गए हैं, तो आज ये सत्संग का समारोह शुरू होता है। बाबजी की वंदना करें, बाबजी की महिमा करें, बाबजी के गुणानुवाद करें, उनकी कृपा को याद करें, तो कैसे करें, किस बल से करें। प्रहलाद पर तो प्रभु की कृपा थी, वह तो अपने गुरुदेव का कृपा पात्र भी था, मैं तो हर तरह से निर्बल हूँ। बहुत कोशिश आज दिन भर मन में सोचता रहा कि कैसे बाबजी की क्या क्या महिमा थी, कैसे कैसे उनकी, कैसा उनका निर्मल कोमल, कैसा उनका स्वभाव था, कैसा वे दिनों पर गरीबों पर, अनाथों पर, तुच्छ पर, वंचित पर, गरीबों पर, पापियों पर कैसे दया करते थे। ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि अपने जैसे सभी निकृष्ट हैं अपन वास्तव में? ये फैशन के तौर पर भी नहीं कह रहा हूँ, यदि अपन ठंडे दिल से विचार करें तो एक दूसरे को देख करके अपन जलते हैं। बाप जी के इस दरबार में, बाप जी की इस जाजम पर बैठने के लायक कतई नहीं है। ऐसों को इस तरह से अपनाया, अपने भी जो काल से, कर्मों से, माया से, मौत से, दुखों से डरे हुए हैं, भयभीत हैं, सबके ऊपर अभय हाथ रख दिया। क्या देख करके? कुछ नहीं देखा, अपने वृत्त को अवश्य देखा, अपने अंदर ऐसी कोई लायकत भी, तो किसी भी तरीके से उनकी महिमा की ही नहीं जा सकती। जब बड़े बड़े भक्तों ने, सच्चे प्रेमियों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने, महापुरुषों ने, सबने एक सुर से कह दिया कि उस प्रभु की महिमा की ही नहीं जा सकती, तो यदि मैं कोशिश करता हूँ या अपन कोई कोशिश करते हैं कि उनके दया का आज शुक्राना अदा करें, तो किस बूते से करेंगे, किस जबान से करेंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर भी मर्यादा, फिर भी कोशिश सबने की। सबने कहा कि उस प्रभु की, उस भगवंत की महिमा नेति नेति है। शारद से समहेश पुनि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करइ निरंतर गान, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनुरान कोई, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु बाका। सरस्वती जी, शेषनाग जी, शिव जी, ये भगवान के भक्तों में गिने जाते हैं शास्त्रों में, अपने सनातन धर्म की परंपरा में। शारद शेष महेश विधि ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण, वेद शास्त्र पुराण, नेति नेति कई जास गुण करें निरंतर, जिसकी महिमा, जिनके गुण गाते हुए सबको नेति नेति कहना पड़ा, हार माननी पड़ी। एक जगह तुलसीदास जी ने इसी के पूर्व में कहा है,
जय मारुत गिरी मेरु उड़ाई कहो तूल गई देखे माए, जिस तूफान और प्रबल पवन के सामने सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं उसके सामने रुई की क्या विशाल। तो भगवान के गुण इतने गरिमामय हैं, इतने गंभीर हैं, बाप जी की दया और फिरत और महिमा इतनी अगाध है कि उसके सामने मेरी बुद्धि की औकात तो वो रुई के समान है। लेकिन फिर आगे तुलसीदास जी क्या फरमाते हैं, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण करें निरंतर गान, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहें बिनुरान कोई। सब जानते हैं कि गुरुदेव की भगवंत की महिमा इतनी ही बड़ी है, फिर भी जानते हैं कि पूरी महिमा कर नहीं पाएंगे, पूरी महिमा समझ ही नहीं पाएंगे, उनकी पूरी दया को अपन अपनी ओछी बुद्धि से जान ही नहीं पाते तो बखान कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी सभी ने महिमा की, जानते हैं कि महिमा नहीं कर पाएंगे फिर भी क्यों करते हैं। अपने यहाँ भी एक विवाद फैलता है कि बाप जी की महिमा भी करने की जरूरत नहीं है, जो किताबों में लिखा है वही पढ़ लेंगे। तो किताबों में जो पुराने भक्तों ने, पुराने आचार्यों ने, पुराने महापुरुषों ने, पुराने प्रेमियों ने महिमा की, सहजो भाई ने महिमा की अपने गुरुदेव की यही कायदा है। अपने बाप जी की महिमा करने दूसरा कौन आएगा, जैसे भी टूटे फूटे हैं अपन ही करेंगे ना, अपना फर्ज है। आज इस बात का उदाहरण इसलिए देता हूँ कि एक विवाद फालतू का कभी कभी अपने यहाँ भी सिर उठा लेता है। अब यहाँ ये शास्त्र वचन है, रामचरित मानस में गोसाई जी कहते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु ग्रहण कोई। सब जानते हैं कि इतनी ही भारी महिमा है, फिर नहीं कर पाएंगे महिमा, जबान से बखान नहीं हो पाएगा, फिर भी कोई करने से चूका क्या, नहीं चूका। क्यों नहीं चूका, तांबेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु बाका, एक अनिह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परदामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेई दर देह चरित कृत नाना, सो केवल भगत नहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जय जन पर ममता अति छो, जय करुणा कर कीर्तन को, गरीब और गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि मैं भी जब भगवान के गुण गाने की कोशिश करना चाहता हूँ तो समस्या यही उनके सामने भी थी, ठीक ही नहीं थी। उन्होंने मर्यादा रखी, वे तो स्वयं महापुरुष थे, स्वयं समर्थ थे, लेकिन उन्होंने ऐसी मर्यादा रखी कि ऐसा हम लोगों के साथ तो होता ही है। तो अपनी दशा का उन्होंने बयान किया कि सब जानते हैं कि भगवंत की महिमा इतनी अपार है, फिर भी कहने से कोई बाकी नहीं रहा। क्यों, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति को भाका, वहां एक कारण रखा गया है, भक्ति का प्रभाव बहुत भारी है। ये जो जबान है, ये जो वाणी है, ये जो शरीर है, मेरा ये शरीर, मेरी वाणी, मेरी ये जबान और मेरे कान, सारे के सारे अपवित्र, गंदे और कलुषित, मैं इनको पवित्र बनाऊं तो कैसे बनाऊं? एक ही तरीका है, मेरा जीवन व्यर्थ है यदि मैं इसे सफल करना चाहूं तो कैसे करूं? एक ही तरीका है, बाप जी के गुण गाकर, बाप जी के गुण सुनकर, बाप जी के गुणों को, बाप जी की दया को, बाप जी के उपकार को, बाप जी की महिमा को हृदय में बसाकर मैं अपने जीवन को सफल कर सकता हूँ। यही भक्ति है, यही भजन है, ये भक्ति का अंग है। तहां वेद कारण राखा, भजन प्रभाव भांति को भाका, कारण ऐसा है, एक अनि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तय दर दे, एक सतगुरु अजर अनादि जो अचरज, जो अचरज है, आश्चर्यमय है, जो कहने में आ नहीं सकते, जो किसी रूप और नाम के अधीन नहीं है, जिनका कोई धाम भी नहीं है। अब उनसे प्रेम करें तो कैसे करें, उनको पावे तो कैसे पावे, उनके दर्शन करें तो कैसे करें, उनकी सेवा करें तो कैसे करें, उनकी बंदगी करें तो कैसे करें, और सिवाय उस
उन मालिक से प्रेम करने के दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, जो हम अपने तकलीफों से, जन्म मरण से, आवागमन से, काल के कलेश से कैसे छूटेंगे। प्रेम करना है, प्रेम करने के लिए प्रेम का कोई सुपात्र होना चाहिए। प्रेम के पात्र तो वह मालिक हैं, लेकिन वे तो अरूप हैं, अनाम हैं, अचरज हैं, अकय हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदा आनंद परदामा। अज यानी जो अजन्मा है, जो सच्चिद आनंद के घन है, सच्चिदानंद के धाम में सदा विराजमान है, जो सत्य देश के मालिक है, सत्यखंड के सच्चे मालिक है, वही दुनिया का ये जितना दृश्य है, ये उन्हीं का धरावा रूप है, ये उन्हीं का रूप है, ये उनका साकार सगुण रूप है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते इधर देह चरित प्रमाना, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल फ्रंट अनुरागी। यही रहस्य है कि वही मालिक दया करके हमें प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए हमारे जैसा ये पांच तत्व का, ये मेल का पुतला, ये माटी का शरीर, ये नश्वर शरीर, ये दुख का घर है, ये शरीर कितना गंदा है, इसमें कौन सी बात अच्छी है। यदि बाप जी का नाम नहीं ले रहे तो इस शरीर में और एक भी बात अच्छी नहीं बताई जा सकती है ही नहीं, कोई गुण इसमें नहीं है। ऐसा मृत्यु लोक का देश और ऐसा ये अदम शरीर धारण करके वही मालिक स्वयं आते हैं। क्यों? ते इधर देह चरित कृपनाना, वो आते हैं, अनेक तरह की लीला करते हैं, दया करते हैं, हम लोगों को अपने शरण में लेते हैं, अपने चरणों की अभय ओट देते हैं, हमें काल के भय से मुक्त करते हैं, जन्म मरण के बंधन को तोड़ करके अपने निज घर में जाने के लिए हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारे सर पर अपना हाथ रख करके हमें अंगुली पकड़ करके खड़ा करके उस कठिन रास्ते पर चलाते हैं और प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, और प्रेम जिसको हम जानते ही नहीं कि प्रेम क्या है, उस प्रेम का दान देते हैं। हम लेते नहीं हैं तो फिर जबरदस्ती देते हैं, यानी सेंत में ही देते हैं, गाहक कोई ना है। ऐसी दशा होती है, प्रेम का दान देने के लिए वे बाप जी पधारे, लेने वाले ग्राहक लेना ही नहीं चाहते सच्चे दिल से, फिर भी देते हैं। क्यों? कि दाता केवल सदगुरु देतन माने हार, वो देते हुए हार मानते नहीं, दे करके ही खुश होने वाले। ऐसे स्वामी और कोई नहीं होते, सिवाय संतों के और कोई इष्ट ऐसा नहीं होता। किसी की निंदा स्तुति का कतई अपने ख्याल नहीं है, तुलनात्मक बात किए बगैर बड़ाई स्पष्ट नहीं होती। सुदामा जी भगवान के पास गए, भगवान रीझ गए, प्रेम से रीझते हैं, रीझ गए और देने लगे। एक मुट्ठी चावल खाए, तंदूर खाए और एक लोग का राज दिया, दूसरी खाके दो लोग का राज दिया, तीसरी खाके तीन लोग का देने वाले थे, क्योंकि जो सच्चा दाता होता वो देते हुए हार नहीं मानता और देते हुए ये विचार नहीं करता कि मेरे पास पीछे क्या बचेगा, इतना विचार कर ले तो फिर दिया ही क्या। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान रुक गए, बस इतना ही फर्क है। संतों का हाथ पकड़ने वाली माया मौजूद नहीं है, माया की हैसियत नहीं है, माया संतों की दासी है। जय तक देवी काली के गुण संत चरण लोलाई, माया तो संतों की दासी है। हाथ पकड़ने की औकात माया की, संतों का हाथ पकड़ने की औकात माया की नहीं। इसलिए सहजो भाई जी ने कहा कि हमारे गुरु पूर्ण दाता, या हाथ पकड़ने पर रुक जाते सत्य संत सदगुरु, यदि हाथ पकड़ने पर रुक जावे तो पूर्ण दातार नहीं कहे जा सकते। दातार हैं, दे दिया, दो लोग का राज दे दिया भगवान ने, तीसरा लोग अपने लिए रुक्मणी जी के लिए रख लिया। किसी के रोकने से रुके तो भी रुक गए, निंदा नहीं है, ऐसा तो शास्त्र कहते हैं, मैं तो कहता नहीं कि रुके, और पूर्ण दातार होते तो पूरा ही देते, रुकते क्यों। तो ऐसे सच्चे संत सदगुरु जो दुनिया में आए, और वो इसलिए, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रण धनुरागी।
कोई दूसरा हेतु उनका दुनिया में आने का हो नहीं सकता। दूसरे इष्ट होते हैं, उनके दुनिया में आने का अलग मकसद, अलग मंतव्य, अलग ध्येय होता है। भगवान ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तक दूसरों का नाश करने के लिए मैं समय समय पर आता हूँ। आपने खुद कहा कि मैं इसलिए आता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में आता हूँ। यही बात रामचरितमानस में भगवान राम के लिए शिव जी कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करे। भगवान के जन्म का कारण क्या है? राक्षसों को मारना, देवताओं की प्रतिष्ठा करना, असुर मार थापहि सुरहि, राखहि निज श्रुति से जगत में वेदों की जो मर्यादा का पुल है, मर्यादा का रास्ता है, उसकी पुनर्स्थापना करना और जगत में अपनी कीर्ति, अपना यश फैलाना, जग विस्तार ही विशद यश राम जन, ये भगवान के जन्म के कारण। शिव जी बताते हैं पार्वती, शंका की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन संतों के अवतार का हेतु क्या है? अपने यश का विस्तार नहीं, असुरों का नाश नहीं, पापियों का, अधर्मियों का नाश करने की बात संत सोचते ही नहीं, ये उनके विरुद्ध के खिलाफ है। संत पापियों को पाप से रहित कर देते हैं, अधमों का उद्धार कर देते हैं, अनाथों को शरण दे देते हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ ब्रह्म अवतार लेकर आते हैं, उनके भक्त अपने हैं, पापी अपने नहीं है, पापी विरोधी है उनके, तब वो विरोधियों का नाश करते हैं, अपने जनों की, अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। ऐसा ही भगवान ने किया, कौरवों का संहार करवाया, पांडवों की रक्षा की। भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को बचाया, विभीषण को मारा, विभीषण को बचाया, रावण को मारा, अपने जन को सभी बचाए, पापी जीवन दंड भोगाए, अपने अपने सेवक की सबने रक्षा की, पापियों को सबने दंड दिया। किन्होंने? संतों के पहले जो अवतार हुए उन्होंने। अब प्रगटे पापी पावन है, सो केवल भक्तन हित लागी प्रणत परम कृपाल प्रणत अनुरागी। क्या विरद है उनका? केवल अवतार लेते हैं, सत देश से आते हैं, इस मृत्यु देश में आते हैं, जहाँ रोज रोज का जन्मना और मरना है, जहाँ माया का, मौत का, काल का अखंड राज चल रहा है, वहाँ आते हैं केवल अपने सेवकों को अपनाने के लिए, दुनिया के, जगत के जीवों का दुख का भार कम करने के लिए, पापियों को शुद्ध करने के लिए। वो पापियों को दंड नहीं देते, पापियों को अपने शरण दे करके पाप से छुड़ा देते हैं। कितना बड़ा फर्क है, ये दुनिया में तो सब पापी ही हैं ज़्यादातर, सज्जन तो कोई गिनती के होंगे। भगवान आएंगे तो उन सज्जनों को तो मान लो भला कर देंगे, अपना क्या होगा? यदि बाप जी नहीं होते तो मेरा क्या होता? क्योंकि भगवान यदि आप ही जाते तो मुझे तो मार दे, क्योंकि मैं तो दुष्ट हूँ, मेरी बुद्धि खराब है, मेली मती है। केवल संतों के चरणों में ही पापियों को शरण प्राप्त है, पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। कोई विरोध नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई खंडन मंडन नहीं, भगवान ने खुद स्वीकार कर लिया गीता में, और शंकर जी ने स्वीकार कर लिया रामचरितमानस, शास्त्र गवाही देते हैं, शंकर जी गवाही देते हैं। पापियों को अभय शरण केवल सच्चे संतों के दरबार में मिलती है। यहाँ भले बुरे पापी अपनाते, पादशाह ने झंडा अभिवादन के
नाम की महिमा के झंडा अभिवादन के भजन में फरमाया है, भले बुरे पापी, भले को बुरे को पापी को अनाथ को, दुनिया में जो छोटे हैं उनको तो वो अपनाने के लिए आते हैं, बड़ों को, बड़ों के संत नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, बड़ों को भी अपना लेते, छोटा बड़ा स्त्री पुरुष जाति कुजाति अमीर गरीब पढ़ा लिखा या अनपढ़ कोई भेद ही नहीं है। भेद उसके होता है जो दूसरा होता है। सारे जगत के प्राणी बाप जी के अपने हैं। जब कोई पराया है ही नहीं तो माँ की नज़र में पिता की नज़र में बच्चा पराया नहीं होता, तो बच्चा का दोष भी माँ को नहीं मिलता। तो सो केवल भक्तन हित लागी, केवल भक्तों के हित के लिए जो उनके शरण में आएंगे सबको शरण दी जाएगी। करनी का रास्ता बड़ा मुश्किल है, करनी निर्मल मन वालों से बनती है। शरण का रास्ता सबके लिए खुला है, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो। कितने कितने दुर्जनों को, अनंत पापियों को अब तक तो तार दिया संतों ने, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अपन सब निकृष्ट हैं, गए बीते हैं, मेली बुद्धि वाले हैं, खोटे कर्मों वाले हैं, अपने को शरण में लिया है और तार दिया और तार रहे हैं, तारेंगे गारंटी शुदा। तो इससे ज़्यादा सबूत, दूसरा सबूत क्यों ढूंढे? अपने में वही बीत रही है, अपने ऊपर वही दया हो रही है, तो ये भरोसा होना चाहिए। तो ऐसा विरत केवल संतों का है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रण करूंगा। क्या महिमा उनकी की जावे। जय जन पर ममता अति छो, जय करुणा कर कीनन को, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जय जन पर ममता अति छो, छो कहते हैं उसने को जो एकदम अबोध बच्चे पर माँ का होता है। जैसे गाय ब्याई, छोटा बछड़ा या बछड़ी लाई, अब वो बछड़ा एक सप्ताह से कम उम्र का है और उस समय उस गाय जो उसकी माँ है उसके माता के दिल की हालत अपन अनुमान नहीं लगा सकते। माताएं लगा सकती है क्योंकि माताएं खुद अपने बच्चों से वैसा प्यार करती है। अपन पुरुष लोग हैं शायद पूरा अनुमान नहीं लगा पाते माँ का दिल कैसा कोमल होता होगा। माँ को यानी गाय को बांध दिया खूंटे से, मजबूर है और बछड़ा कूद रहा है। गाय के ठाण के थोड़ी दूर पर मान लो चूल्हा जलता है, वहां पे उसका दाना पकड़ा है, बच्चा उछलता है, छोटा बछड़ा उछलता जाता है, माँ का दिल उछलता है साथ। बछड़ा उछला और माँ का दिल अंदर उछलता है, कहीं उसमें जाके न गिर जाए। एक एक क्षण में उसका ध्यान उससे हटता नहीं। इसका नाम है छोर। जय जन पर ममता अति छो। गोसाई जी फरमाते कि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि जिनका अपने सेवकों के प्रति बहुत गहरा ममत्व है, जिनके छोर की कोई सीमा नहीं है। कई तो हर चीज की सीमा होती है, आदमी की उदारता की सीमा होती है, सहनशीलता की सीमा होती है, लेकिन माँ के ममता की सीमा नहीं होती ऐसा कहा जाता है। लेकिन हो सकता है दुनिया के माताएं कलयुग में ऐसी भी होती है, कभी कभी आजकल कुछ सुनने को अपवाद रूप ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जहाँ माँ की ममता भी चुक जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन गुरुदेव की ममता का उदाहरण माँ की ममता से देने का मतलब यह नहीं है कि गुरुदेव की ममता माँ की ममता जितनी है, नहीं ऐसा नहीं है। माता की ममता से ज्यादा का उदाहरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए महापुरुषों ने, प्रेमी भक्तों ने गुरुदेव की ममता का उदाहरण माँ की ममता से दिया है। गुरुदेव की ममता का कोई वार पार नहीं है। यही सहजो भाई जी एक जगह दूसरी जगह फरमाते हैं, चरण दास जी साहब फरमाते हैं उनके गुरुदेव कि पितसु माता सो गुणी, पिता से माँ का प्यार सो गुणा।
और माता से 100 गुना प्यार भगवंत का, और भगवंत से भगवंत की महिमा का वार पार नहीं है, नेती नेती है, लेकिन चरणदास जी साहब ऐसा फरमाते हैं, बिल्कुल सही बात है कि भगवंत के प्यार से 100 गुना ज्यादा प्यार गुरुदेव का। तो माँ के प्यार से 100 गुना भगवंत का और भगवंत के प्यार से 100 गुना गुरुदेव का, तो 100 गुना 100 बराबर 10,000। माँ के प्यार से 10,000 गुना ज्यादा प्यार गुरुदेव का है, ऐसा चरणदास जी साहब ने फरमाया। तो बखान जबान से कैसे करे कोई, महापुरुष थक गए, अपने तो कहीं गिनती नहीं हो सकती। जय जन पर ममता अति छो, जय करुणा कर कीन न को। जिन्होंने जिसके ऊपर गुरुदेव ने एक बार करुणा कर दी, एक बार रींझ गए, और उनका रींझना क्या है, जो पुराने सत्संगी हैं जिन्होंने बाप जी साहब और माता जी साहब के सानिध्य में उनके इस प्रेम के अमृत का स्वाद चखा है, वो इस बात का विचार करेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे कि उनका रींझना क्या है, बहाना है रींझने का, रींझे हुए थे, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रींझ जाते थे। सामने जड़ बुद्धि के मेरे जैसे लोग खड़े होते थे तो उनके प्रेम के स्तर को, उनके प्रेम के दर्जे को समझ पाना अपन दुनिया के मूर्ख जीवों की तो बस की बात नहीं, तो सामने खड़े होने से भी क्या हो गया, क्या लाभ उठाया, कोई लाभ उठा नहीं पाए। उनके प्रेम को देख करके वो अनायास ऐसे ऐसे सत्संगियों पर, सेवकों पर, उनके शरण में आने वालों पर जरा जरा सी बात पर इस तरह से रींच जाते थे कि सामने वाला सोचता था कि ये अपने लोगों के ही शब्द हैं। कई लोग ऐसा कहते थे बाप जी पर कड़ा फिर गया क्या, किसी पर जब दया करना शुरू करते तो देखने वाले जेब से कुछ नहीं जाता, लेकिन देखना सहन नहीं होता, कहते कि बाप जी को यही दिखता है क्या, जो हाथ में आता इसी को दे देते हैं। ऐसा उनका विरोध था, अपनी बुद्धि अविद्या ग्रसित है, वैली बुद्धि है, उनके दरबार में उनके सन्मुख उनके सामने खड़े रहने की हैसियत पात्रता कुवत करोड़ जन्मों में भी अपने अंदर आने वाली नहीं है, इसलिए ऐसी बातें उठेगी अपने दिल में, इसलिए खाली रह गए। एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया, सत्य घटना है। बाप जी साहब गुरुद्वारे में विराजते थे, तब राकुड़ कुआ इतना बसा हुआ नहीं था, गुरुद्वारे के सामने वाली इस दिशा में तो कुछ भी नहीं था, गुरुद्वारे के आगे तो शहर समाप्त था, कोई भी एक भी मकान नहीं था, शमशान शमशान के आगे कुछ नहीं, केवल वो 9 छतरियां दिखती थी दूर से, उस समय की बात है। एक पोस्टमैन थे और उनका पूरा नाम मुझे पता नहीं, खान थे, खान तो खान साहब या खान जी उनको कहते थे। गुरुद्वारे तो डाक आमतौर पर आया ही करती थी, बाप जी का ऐसा दया की मौज रहती थी कि जो डाकिया या जो कोई सरकारी कर्मचारी बिजली घर वाला बिल देने आवे, पानी का बिल देने आवे, डाकिया डाक लेके आवे, तो भाई जी को माधव भाई जी को हुक्म रहता था, जो भी भाई जी रहती थी पास में इनको प्रसाद दिया था रोजाना नियम बिना पूछे देने का, तो उनको रोज प्रसाद दिया जाता। खान साहब थे मुसलमानों में पैगंबर को भी सिजदा नहीं, पैगंबर साहब के अलावा मुर्शिद को सिजदा नहीं किया जाता, बोला कि बुत परस्ती और क्योंकि खुदा के अलावा और किसी के सामने सर झुकाना इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए मुसलमान लोग प्रणाम नहीं करते, ऐसी इस्लाम की मान्यता है, तो वो दूर से हमेशा प्रणाम करते थे। कोई संस्कार बाप जी की दया की नज़र रोज पड़ती थी, तो जाति से कोई मतलब नहीं, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि बौद्ध हो कि जैन हो, कोई हो, जाति तो कोई इंसान की माटी के पुतले के शरीर की है, आत्मा तो बाप जी की अंश थी। राठौड़ कुआ में कोई सत्संगी माता थी और मैं ठीक तरह से अब नहीं बता सकता कि वो कौन थी, और उनके जो घर के मोटियार थे यानी उनके जो आदमी थे वो हिम्मत नगर गुजरात में काम करने में गए हुए थे,
उस समय राठौड़ से कुछ लोग पत्थर करने के लिए हिम्मतनगर गए थे, हिम्मतनगर। वहां से आया मनियाडर माई के नाम, तो डाकिया जो खान साहब थे वो बाग में गए जहाँ उनका मकान था। बोला भाई कौन है ये? तो उसने कहा मैं ही हूँ। बोला कि तुम्हारा मनियाडर है? बोला देव। तो बोला कि गवाही लाओ। मनियाडर पहले आता था, तब ये नियम था, अभी भी होगा कि डाकिया जब मनियाडर, जैसे मेरे नाम मनियाडर आया, कमल के नाम मनियाडर आया, तो कमल को यदि डाकिया जानता है तो खुद गवाही में हस्ताक्षर करता है, नहीं तो आस पास में किसी गवाही को उपस्थित करना पड़ता है कि ये कमल ही है, मेरे सामने 100 रुपये दे दिए गए। मनियाडर के फार्म में पहले छपा होता था गवाह के हस्ताक्षर की जगह। तो डाकिया ने ठीक कहा कि भाई माई गवाही कौन देगा, दोपहर के समय कौन मिल सका, राठौड़ को दे नहीं, सब लोग काम पे चले जाते। उसने कहा गवाही कहाँ से लाऊं, मेरा नाम यही है जो तुम बता रहे हो, मेरा पैसा मेरे को दो। उसने कहा माता नहीं मिलेगा पैसा, गवाही के बगैर मैं नहीं दे सकता, नियम है सरकारी। अब वो बेचारी अनपढ़ बड़ी मुश्किल से इंतजार करते करते कई दिन बाद तो मनियाडर आया। अब वो मनियाडर का पैसा डाके देता नहीं है, वो ये नहीं समझे कि मनियाडर तो 7 दिन तक रहता है, डाकघर में जाके लाया जा सकता है, दूसरे दिन फिर आएगा। वो घबराई कि मेरा पैसा कहाँ जाएगा, डाके तो चला गया बिना मनियाडर दिए। अब वो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, राठौड़ को आकर कोई बहन होगी बेचारी रोती धोती आई बाप जी के पास, डाके तो चला गया उस दिन, तो बोली बाप जी गजब हो गया मेरे साथ, मारे साथ तो बड़ो अन्याय हो गया। बाप जी क्या हुआ? अब रोवे बतावे नहीं। बाप जी का बोल तो सही, हुआ क्या? बोला आज मनियाडर आया, डाके ने दिया ही नहीं, लेके वापस चला गया। बाप जी कहता है गवाही ला, मैं ही हूँ, जैसे कमल कहे कि मैं ही कमल हूँ, बाप जी गवाही किया जब तो मैं ही तो कमल हूँ। बाप जी हंसे, बोला भाई उसका नियम है, ये तो तुम जानती हो कि तुम ये हो, हम जानते हैं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं, डाके थोड़ी जानता है, उसका सरकारी कायदा कानून है, गवाही करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, तू कल डाकिया लगभग जिस समय आता है उसके पहले यहाँ गुरुद्वारे में आ जाना, उसको बोल देंगे दे दे, हम कर देंगे ना गवाही तेरी। अरे बाप जी आप मेरी गवाही कर दोगे, खुश हो गई एकदम, निर्भय हो गई, ठीक है। डाकिया आता था 11:30-12 बजे, वो तो माई आके बैठ गई 10 बजे, खाना खा के 9 बजे आ गई, अपने क्या काम है, मनियाडर वापस नहीं चल रहा था, गजब हो जाएगा। अब डाकिया तो अपने नियत समय पर आया ही, बाप जी आसन पर विराजमान थे, वो आया, डाक दी गुरुद्वारे की, फिर उसने प्रणाम किया। बाप जी ने कहा भाई खान साहब इसका इस बहन का मनियाडर आया क्या? क्या हाँ यही है बाप जी, इसका मनियाडर आया है। तो बोला भाई इसको दे दो, यही है। उसने बोला ले आ ले जा पैसे, अंगूठा लगा दिया, तो अपना एग्जाम पेज निकल लगा, अंगूठा दे दिए पैसे गिन करके पूरे। जब उसके हाथ में पैसे आ गए तो वो क्या बोले उस डाकिया को, बोले अब क्यों दिए, कल तो नहीं दे रहे थे, आज बाप जी के कहने से देने पड़े ना, मेरे को परेशान करता है, देता नहीं है पैसे, मेरे पैसे हैं। उस खान ने क्या जवाब दिया? अब बात जिस बात के लिए मैंने ये किस्सा याद किया है वो मर्म की बात अब आती है। डाकिया मुसलमान था, सत्संगी नहीं था, लेकिन बड़ा भाग्यशाली था, उसकी सद्बुद्धि देखो, उसकी सज्जनता देखो, बाप जी के प्रति उसकी श्रद्धा देखो। उसने क्या बोला? उसने कहा डोगरी, बाप जी ने कहा कि ये मनियाडर वाली तू ही है तो मैंने तेरे को दे दिया, तो बाप जी को क्या समझती है? बाप जी उस समय बोर्ड खुली थी, कुतिया वहां आ गई थी, बाप को बोला डाकिया, बाप जी यदि कह रहे हैं, बाप जी यदि अपन बोलते हैं भाषा तो फरमाने की, उसने कह शब्द कोई कहे होंगे मुझे नहीं पता, उसने कहा बाप जी यदि कहे तो मैं इस कुतिया को दे दूं पैसे, तो क्या समझती है बाप जी को? वो चुप हो गई बाप जी को, ऐसी सुंदर बात सुनकर के बाप जी उस पर रीझ गए, रीझ गए। इसका मेरे पास क्या सबूत है? इसका सबूत है डाके तो चला गया, मैंने उस डाके के दर्शन नहीं किए, मैंने बाप जी के मुखारविंद से यह किस्सा अनेक बार सुना बचपन में। बाप जी ने कहा उस डाके ने, उस खान ने ऐसा जवाब दिया कि डोगरी तू क्या समझती है, बाप जी कहे तो मैं पैसे इस कुतिया को दे दूं,
मैं इस बात में अर्ज कर रहा था कि संतों को रिझाना क्या है, रिझते कैसे है, बहाने से रिझते है। अब वो उसका बाकी जीवन कैसा था, शाकाहारी था कि मांसाहारी था, सज्जन था कि दुर्जन था, कोई महत्व नहीं रखता। संतों की कृपा का पात्र हो गया वो तो एक दिन सतदेश में लंका ही बजाएगा, जिस पर संतों की इस तरह की दया की नजर हो जाए। इसीलिए तो आते हैं जगत में, किसी भी बहाने से जीवों पर दया करके उसके काल के चाल से, काल के खाते से, काल के हवाले से अपने अधीन करना है, उसको प्रेम का दान देना है, भक्ति का दान देना है, अपना बनाना है और उसे सदा सदा के लिए सुख के घर में अपने चरणों में बाका देना है। अपने यदि अवगुण गिनेंगे, अपने यदि अवगुण देखेंगे, उस समय ये देख लेते हैं कि यार भाई अब मैं बातें जो आगे कह रहा हूँ वो काल्पनिक है, अनुमान से कह रहा हूँ, हो सकता है वो मांसाहारी हो सकता है वो हिंसक हो, क्रोधी हो, अनाचारी हो, दुराचारी हो, पता नहीं जगत के जीवन में क्या क्या होते हैं, मेरे अंदर इतने दुर्गुण है आधे तो कम से कम उसमें भी निकल सकते थे। अवगुण नहीं देखते, पापी है कि धर्मात्मा ये नहीं देखते, ऐसा देखेंगे तो जगत के जीव तरेंगे नहीं, ऐसा उनका विरुद्ध नहीं है। जय जन पर ममता अति कुछ, जय करुणा कर कीनन को। अब जिस पर इस तरह से एक बार दया की नजर हो जाए, संतों का प्रमाण है कि फिर उसके अपराध नहीं देखे जाएंगे। अब कोई शंका करे कि क्या उसके उसके बाद में उसको उसके कर्मों का फल या दंड नहीं मिलेगा, वो बात बहुत छोटी है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रारब्ध में क्या लिखा है, कौन से कर्मों का कौन सा फल, सुख या दुख, आराम या तकलीफ, वो मेरे को दुख देने में मेरा भला है, सजा देने में विद्यार्थी का फायदा है, नस्तर लगाने में मरीज का बीमार का हित है, ये तो डॉक्टर भी ठीक जानता है। इसलिए सुख और दुख की परिभाषा इस तरह से नहीं की जा सकती, ये नहीं कहा जा सकता कि बाप जी ने जब इस उसकी इस बात पर रीझ गए तो बुढ़ापे में बीमार पड़ा था क्या, क्यों पड़ा, ऐसा नहीं है। बीमार पड़ा था तो उसके वेल धोने के लिए पड़ा होगा, यहाँ के कार का कर्जा भी चुकाना है, यहाँ की गंदगी भी यहाँ साफ करनी है, यहाँ की ममता और आसक्ति के बंधन उसके तोड़ने हैं, यहाँ के कानून का पालन करना है, प्रकृति का जो कानून है वो बाप जी की सम्मति से, बाप जी की मौत से, बाप जी की इजाजत से बनाए गए हैं, उनका सम्मान बाप जी करते हैं, स्वयं जीव के हित के लिए है, इसलिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है। कभी कभी कोई सत्संगी कह देते हैं कि अरे फला फला आदमी इस तरह से बीमार पड़ गया, ऐसा संकट आ गया, फिर क्या, फिर हमारा क्या होगा, पुराने बड़े ज्यादा सत्संग करने वालों पर भी तकलीफ आ गई, ये बहुत ही छोटी बुद्धि की बात है। तकलीफ में तकलीफ है कि फायदा है, अध्यापक विद्यार्थी को चांटा लगाता है उसके अंदर क्रोध है कि दांत है कौन जानता है, विद्यार्थी नहीं जानता, बाद में इतिहास न्याय करेगा कि उसमें फायदा था। बाप बच्चे की गलती पर, बेटे की गलती पर नाराज होकर के उसे छोटी मोटी सजा देता है, ये सजा है कि बच्चे के हित की कामना है कौन जानता है, बच्चा नहीं जानता, बाप जानता है, निष्पक्ष दृष्टि से जांचा जा सकता है, बच्चा नहीं जान सकता। तो इन बातों का कोई महत्व नहीं है, ऐसी बातें लाना, ऐसी बातें, ऐसी शंका उठाना प्रेम की कमी दर्शाता है। क्या करें, अपने पास प्रेम नहीं है तो वो कमी है, वही दिखती है, वो अपने आप उछल उछल के बाहर आ जाती है, ऐसा होता है हम सबके साथ। लेकिन कोशिश करें, यदि अपने अंदर प्रेम नहीं है तो संतों की जो महान महिमा, गुरुदेव की जो अपरंपार महिमा भक्तों ने, प्रेमियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने गाई है, उस बात का भरोसा करके थोड़ी ऐसी बेअदबी की बात से बचें, बेअदबी की बात मन में न आने दें, जबान पर न आने दें, क्योंकि ये अवज्ञा है और अवज्ञा भारी दोष है। आज्ञा पालन नहीं है, काटा तो पहले से ही है, फिर अवज्ञा और करेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्या मुंह लेकर के उनके दरबार में जाएंगे, आखिर उनको जब ये अपने देश की भाषा में, राजस्थान की भाषा में ऐसा नहीं कहा जाता कि जीव बाप जी को देना है, तो जब जाकर के जीव उनको सौंपना है
क्या जवाब देंगे? आज्ञा का पालन नहीं किया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, बहुत नुकसान हुआ है, ऐसा तो कहना गलत है कि कोई बात नहीं, पूरा ही नुकसान हो गया, फिर अवज्ञा करके ज्यादा घाटे में क्यों जा रहे हैं? तो ऐसी अपरंपार उनकी महिमा है, जय करुणा कर कीनन को, जिस पर एक बार कृपा कर दी उस पर फिर क्रोध कर नहीं सकते। अब क्या है, यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्या सेवक से अपने से जिन्होंने बाप जी की शरण ले ली है कि हम कौन है भाई, हम बाप जी के दास हैं, हम सतगुरु जी वाले हैं, लोग दुनिया ऐसा कहती है कि ये गुरुद्वारे वाले हैं। बहुत सुंदर बात है, ये जो दुनिया इस तरह से कहती है कि ये गुरुद्वारे वाले हैं, ये दुनिया वाले अपना अनंत उपकार कर रहे हैं, इनके जैसा उपकार बस मालिक के उपकार के बाद में दूसरे नंबर का उपकार होता है, अपन उनके हैं नहीं, दुनिया कहती है, दुनिया कहती है तो यही बात अपने हक में जाएगी। बाप जी के बनने के लायक अपन ने कोई काम नहीं किया, लेकिन दुनिया वालों ने कह दिया कि ये बाप जी के हैं, ये सतगुरु जी के हैं, वाह भाई वाह, न्याल कर दिया, सतगुरु जी के बना तो दिया। बाप जी जब कहेंगे, जब कुदरत का कानून लागू होगा, जब धर्मराज जी हिसाब लेंगे, तब कह देंगे लोगों से पूछो, लोग गवाही दे रहे हैं कि ये कमल तो बाप जी का है। मैं तो नहीं कहता, मैं तो वैसा नहीं, वो तो कहते हैं। चरणदास जी साहब ने दो तीन जगह इस बातें कही है, एक ही बात बली बने आई, जग में कहा होते कि मैंने कुछ भी भला नहीं किया, कोई अच्छा काम बना ही नहीं, शुभ कर्मन को मार्ग छूटियो, आलस निद्रा घेरो, आलस और नींद में भजन सुमरण भी नहीं किया, सत्संग में बिना मन की मन दौड़ता रहा, गुनावन करता रहा, गंदी गुनावन सत्संग में बैठ के उठाता है, इस अपराध की क्या सजा मिलनी चाहिए, बहुत भारी सजा मिल जाएगी अगर बाप जी सजा पर विचार कर लेंगे तो। लेकिन एक बात बली अपने आप बन गई, मैंने नहीं की, जगत वालों ने कर दिया, जग में कहा होते रोचे, दुनिया कहने लग गई। डाटोड़ा के लोग कहते हैं कि ये गुरुद्वारे वाले हैं, ये अड़िए ने मानते नहीं है, ये अलग संघ है इनका, अच्छी बात है, ये इतना भला अनायास बन गया है, बाकी तो अपने से कुछ बना नहीं। तो क्या जो बाप जी के बन गए हैं, कच्ची पक्की शरण दे दी, कच्ची पक्की शरण तो चलती है, झूठ कपट से भक्ति कर ताको भी अपना है। आज अपन बाप जी के विरुद्ध पर विचार कर रहे हैं कि बाप जी का विरुद्ध कितना महान है। अब ये विषय इतना गंभीर है, और मैंने शुरू में निवेदन किया कि मैं और हम सब लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर मलिन और ओछी है कि इस गहन विषय पर जबान खोलना ही अपने बस का नहीं है। अनंत समय तक पूरे जीवन और आगे के जीवन में भी अनंत जन्मों तक भी उनके गुण गाएं तो पूरे होने वाले नहीं हैं। तो अभी विचार चल रहा था कि क्या आगे जो सेवक बन जाता है उससे कभी अपराध नहीं बनते क्या? बात यह है कि बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि अपन सच्चे सेवक हैं नहीं, झूठ और कपट को लेकर के शरण में आए। मैंने निवेदन किया था कि करने का मार्ग निर्मल मन वालों का है, शरण का मार्ग सबके लिए है, निर्मल मन वाले भी स्वागत हैं, कपट वाले आ जाओ स्वागत हैं, जो आना चाहता है सबके लिए बाड़ा खोल दिया बात जी नहीं है। और यही तो समस्या है जो हम लोगों में सत्संगियों में आपस में बीच में विरोध द्वेष राग, ये कहाँ से आया? ये इसलिए आया कि अपन सच्चे सत्संगी तो थे नहीं, बाप जी ने झूठों को और कपटों को और जो आया सब को लिया, ऐसा उनका विरुद्ध है, ऐसा वो करते हैं, ऐसी दया करने के लिए जगत में आते हैं। तो जब आ गए, अब कपट बाप जी दूर करेंगे दया से, तो होते होते होगी बीमार आ गया, टाइफाइड का अस्पताल में भर्ती, तो बुखार तो 2 दिन 4 दिन 7 दिन या 14 दिन में जाएगा, जब जाएगा ना, इलाज तो चल रहा है, जब तक बुखार नहीं जाए तब तक कहीं बुखार क्यों है, तो बुखार तो रहेगा ही, बुखार लेके ही आया था। तो यहाँ बैठ करके भी जो है ना, अपन अपने भाई बहनों से दांव पेच खेलते हैं, राग द्वेष करते हैं, निंदा स्तुति करते हैं, विरोध करते हैं, बुरा सोचते हैं, क्या क्या नहीं करते, ये कहाँ से आया? इसलिए आया कि अपन यही स्वभाव लेके आए। तो इसलिए कई बार सत्संगी कभी कभी ये भी शंका रख देते हैं कि वहां तो आप लोग जो लड़ते हो वो तो दुनिया से भी ज्यादा गए बीते हो, फिर वहां क्यों आवे? उनकी शंका गलत नहीं है, लेकिन भाई ये हमारे गुरु महाराज का महान महान विरुद्ध है कि वो हम जैसों को भी अपने चरणों की अभय शरण में लेते हैं।
सदा से लेते आए हैं, सदा लेते रहेंगे, और तभी हम जैसों का भला होगा, उद्धार होगा, बचाव होगा, हमें भी काल के जाल से मुक्ति तभी मिलेगी जब गुरु महाराज का इतना महान ग्रंथ हो। तो सेवकों से गलती बनती है, लेकिन जो सेवक से गलती बनती है उस पर वो कभी क्रोध नहीं करते। जय करुणा कर कीर्तन को, जिस पर एक बार रीज गए फिर उससे अपराध बढ़ भी गया, और बढ़ता इसलिए कि मैंने निवेदन किया कि अपन ऐसी खोटी बुद्धि लेकर के ही आए हैं, तो जैसी बुद्धि है वैसे ही कर्म बुद्धि से प्रेरित होकर के, खोटी बुद्धि से प्रेरित होकर के खोटे कर्म कर लेते हैं, तो अपराध बन जाता है। ऐसे काम सदा अपन करते ही रहते हैं जो बाद को नाराज करने वाले हो सकते हैं, वो नाराज नहीं होते हैं, ये उनका विरत है। कोई दूसरा इष्ट होता तो नाराज हो जाते हैं। दुर्वासा जी तो भगवान के सेवक थे, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो छोड़ दिया, संत नहीं करते। पूरे इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। रामायण में भी तुलसीदास जी ने फिर प्रमाण दिया है, रहति न प्रभु चित चूक किए की, सुरति करत सयबार ये की, जेहि अगब देउ व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की न कुदाली, सोई कर तूत विभीषण केरी, सपन उसोन राम उरहे। मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार था, पूरी जिंदगी में एक भी काम ऐसा नहीं किया जो मर्यादा के खिलाफ होता, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। लेकिन एक काम किया जहां मर्यादा तोड़ दी, बाली को जब मारा तो पेड़ की ओट से चिपकर के तीर चला दिया, ये मर्यादा यानी रणनीति के विरुद्ध काम था। जैसे शिकारी चिपकर के अपने शिकार पर तीर चलाता है, वैसे भगवान ने चला दिया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जय यज्ञ बदे उद जिनके, ऐसा क्यों किया कि बाली का पाप इतना भारी था, क्या वैसा भारी पाप और किसी का नहीं होता क्या दुनिया में? बाली ने जो काम किया, बाली ने सुग्रीव की औरत को जबरदस्ती अपने घर पे रख लिया और सुग्रीव को धक्का मार के जूते मार के निकाल दिया, ये बात था। ऐसा काम दुनिया में उसके पहले, उस समय और अब नहीं होते क्या? भगवान उस समय सुग्रीव शरणागत था और शरण में आए हुए की भगवान सेवक की बाहर चने दादू दीन दयाल, सेवक की पक्ष में नियम मर्यादा तोड़ करके उसका पक्ष लेते हैं, ऐसा दादू साहब फरमाते। तो सुग्रीव पर जब विपत्ति थी और बाली ने वह अपराध किया, भगवान ने बाली को मर्यादा तोड़ करके जय बदे उद जिन बाली शिकारी की तरह छिप करके मार दिया। ऐसा काम भगवान को सहन नहीं हुआ कि अरे दुष्ट तूने ऐसा काम किया, मार दिया। अब मर्यादा टूट गई तो टूट गई, कोई बात नहीं, और उसका फल भुगतना पड़ा भगवान को। कर्मों का बंधन वहां तक लागू है, पारब्रह्म परमात्मा को भी कृष्ण अवतार में वापस अंतिम समय में व्यास के तीर से मारे गए भगवान। कोई व्यास था जो बाली पूर्व जन्म में बाली था, भगवान उसको छिप करके मारा। बाकी युद्ध में अनेकों को मारा, नीति सम्मत तरीके से मारा तो पाप नहीं लगा, लेकिन वह काम एक काम मर्यादा सम्मत तरीके का नहीं था तो उसका कर्म का फल भी लागू पड़ा और वो चुकाना पड़ा, तो कृष्ण अवतार में चुका दिया गया। अभी यहाँ अपने विचार क्या चल रहा है कि जय यज्ञ बदे व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की। बाली ने जो अपराध किया, बाली को भगवान ने मार दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दे दिया, सुग्रीव ने तारा को फिर वही जैसा बाली ने किया था वही काम सुग्रीव ने भी कर दिया, तारा को अपने यहां रख लिया। तारा बाली की स्त्री थी। सोई करतूत विभीषण कहरी, रावण के मरने के बाद विभीषण ने भी वही काम किया, मंदोदरी को अपनी रानी बना दिया। भगवान ने इनको छिप कर गया, सामने खड़े होकर मारा क्या? नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? सोई करतूत विभीषण कहरी, सपने उसोन राम उरेरी,
भगवान ने स्वप्न में भी उधर देखा ही नहीं, तवज्जो ही नहीं दी। जय करुणा कर की नो, जिसने जिसके ऊपर एक बार करुणा कर दी फिर उसके ऊपर क्रोध कर नहीं सकते, ऐसा विरद है। जय करुणा कर कीनन को, गरीब और गरीब निवाद, सरल सबल साहिब। एक और उदाहरण अपने बापजी साहब के जीवन का ही है। एक बड़े ही प्रेमी बापजी के बहुत सुंदर कृपा पात्र, बड़े भाग्यशाली, सुबह सुबह उनको याद करें तो अपना तन मन दिन पवित्र हो जाता है, ऐसे सत्संगी थे सूरज बिहारी लाल जी सक्से। उनका प्रेम बापजी साहब बहुत बहुत याद करते थे। जब उनका आखिरी समय, सूरज बिहारी लाल जी सक्सेना का आखिरी समय आया, बीमार हो गए, तब बाप जी कई दिनों तक, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब 24 घंटे में एक बार दो बार सूरज बिहारी जी के प्रेम को याद करके बाप जी गदगद न होते हो, ऐसा मैंने बचपन में देखा है। सूरज बिहारी जी का प्रेम काबिले तारीफ था, वो तो प्रकाश पुंज है, प्रकाश स्तंभ है अपने लिए। 1500 आदमियों की भीड़ में यही सामने वाला राम द्वारा, इसी के आगे परकोटा खिंचा हुआ पहले नहीं था, एक बड़ का पेड़ था, यहाँ पे 1500 आदमी नागौर से दुष्ट और बदमाश लोग उनको घेर करके लाए, भीड़ को, बाप जी साहब को और माता जी साहब को मार करके नागौर से बाहर निकाल देंगे, ऐसा सोच करके। होना जाना कुछ नहीं है, बाप जी सबरत है, कभी कुछ हुआ है संतों का, लेकिन बात यहाँ सूरज बिहारी जी के प्रेम की याद करने की है। सूरज बिहारी जी लाल जी भगत सागर के स्कूल, माई दरवाजा के अंदर की तरफ जो स्कूल है वहाँ प्रधान अध्यापक थे। शाम के 5 बजे के समय जब स्कूल छुट्टी हुई तो उनको किसी ने कह दिया कि आज शहर के बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के, बहुत लंबी जोड़ी भीड़ है, हजारों में संख्या हो सकती है होगी, वो लोग गए हैं सदगुरु जी को मार के खदेड़ देने के लिए, ऐसा सूरज बिहारी जी के कान में पड़ा। कान में पड़ते ही करंट मार गया, बिजली की तरह वहां से दौड़े, सर्दियों का मौका का कोट पहने हुए थे। आगे आए तो यहाँ देखते हैं कि राम द्वारा के बाहर ये जहाँ अब ये सड़क है अपनी, यहाँ तक 1500 के लगभग लोग बैठे हैं, सब चुप हैं। सूरज बिहारी जी को मार का समझ में नहीं आया, बगे बगे राम द्वारा के अंदर गए। अंदर गए तो बाप जी साहब उस समय बाहर जंगल में सोच को पधारे थे घूमने के लिए, शाम को बाप जी बाहर ही पधारा करते थे। उस समय राम द्वारा में तो आज भी लेटरिन अब बनी है, पहले थी नहीं, तो बाहर ही पधारते थे, बाहर पधारे थे, वापस आए थे और अंदर हाथ धो रहे थे, माता जी साहब हाथ धुला रहे थे, और उन लोगों ने जो भीड़ आई थी उन्होंने एक खोटी बुद्धि के शहर का एक कोई नाई था उसको आगे करके लाए थे। झगड़ा शुरू करने के लिए आदमी पहले कुतर्क करता है, बात बिगाड़ने की कोशिश करता है, फिर झगड़ा करेंगे, फिर इस तरह से खदेड़ देंगे, आज नागौर से बाहर गुजरे फेंक देंगे महाराज के, ऐसा सोच के ऐसी ऐसी खोटी धारणा लेकर के वो लोग आए थे। सूरज बिहार जी अंदर घुसे, कुछ मार्गदर्शन समझ नहीं आया, सब लोग चुपचाप बैठे हैं, सीधे अंदर गए। अंदर बाप जी साहब नाड़ी के पास विराजमान, हाथ धो रहे हैं, माता जी साहब हाथ धुला रहे हैं, और वो नाई तुलसी साहब हाथरस वाले की एक शब्दावली है, बेल्वेडियर प्रेस से छपी है, वो उसके हाथ में थी, उस नाई के, जो किसी भी तरीके से झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहा था। उसने कहा महाराज इसका मतलब बताइए। बाप जी ने कहा भाई क्या बात है, बतो पूछो। बोला कि इस किताब में ये छपा है एक भजन, तुलसी साहब की शब्दावली में है, प्यारे बिना पलंग पे जाए हाय क्या करूँ। अब ये तो अंदरूनी भेद की बात है कि तीसरे दिन पर सूरत टिकती नहीं, जान जमता नहीं, जाते हैं तो अंधेरा है, बाप जी साहब के दर्शन होते नहीं, तो वो व्याकुल होकर के अभ्यास सूरत कहती है कि वहाँ मेरे प्रीतम गुरुदेव नहीं है तो वहाँ जाकर के मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, जाऊँ तो क्या करूँ।
जहाँ अपने गुरुदेव नहीं है वहां क्या करते। तो ये बात अब उस नाई के समझ में आ नहीं सकती, वो सत्संग ही परमार्थी बुद्धि का ही नहीं था। वो पूछ रहा था बाप जी से कि इसका मतलब बताइए महाराज। बाप जी ने कहा भी ये क्या है, बोला कि ये किताब है। कहाँ से आई, बोला कि ये क्या लिखा है। बाप जी ने कहा इसके ऊपर, बोला ये लिखा है तुलसी साहेब हाथरस वालों की शब्दावली। बोला कहाँ से छपी है, बोला लिखा बेलवेडियर पेस इलाहाबाद। बोला बाप जी ने कहा भी या तो तुलसी साहब से पूछो और या बेलवेडियर पेस वालों से पूछो, हमें क्या पता क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, लिखने वाले जान। बोला कि आपके यहाँ ये पटी जाती है। बोला हमको जो अच्छी लगती है हम पढ़ते हैं, तुमको अच्छी लगे तो पढ़ो, नहीं लगे तो मत पढ़ो। ऐसा वो कुतर्क कर रहा था तब तक सूरज बिहारी जी अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच गए और सूरज बिहारी जी ने देखा कि अरे ये दुष्ट है जो सबको पकड़ के लाया है, बाप जी से बदजुबानी कर रहा है। आप देखा ताव, पहले उखड़ और मूसल हुआ करते थे अनाज कूटने के लिए, तो रामदारा में भी उखड़ था और कोने के अंदर एक मूसल, वो लकड़ी का धान कूटने वाला, वो पड़ा था। आ गए देश में, भावना ये थी कि ये दुष्ट मेरे बाप जी को झगड़ा करके मार पीटने के उद्देश्य से आया, अभी तो सूरज बिहारी जिंदा है, इसकी या दुनिया में ऐसा कौन पैदा हो गया है जो मेरे बाप जी को मेरे जीते जी ऐसी ऐसा उद्देश्य लेकर के, ऐसा इंटेंशन लेकर आया। वो उखड़ उठा दिया और उठा के उसके सर पे देने ही वाले थे। बोला अरे और नापट, इसका मतलब मैं बताता हूँ, इधर आ। बहुत क्रोध में बोले वो नाई ने उधर देखा कि ये मूसल उठा के सर पे आने ही वाला है, सर फूट जाएगा। वो डरा और हाथ जोड़ने लगा, बाप जी बचाओ महाराज, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे बाप जी बचाओ, ये मारेंगे। उसने कहा इधर आ तू, बाप जी के पास से इधर आ, मैं बताता हूँ ना इसका मतलब, तेरे को मतलब पूछना ना, इधर आ तो सही, इधर फोपड़ा खोल दूंगा। आपे के बाहर हो, कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे क्रोध अपने लिए नहीं करना चाहिए, कोई अपने इष्ट पर उंगली उठावे उसका खून नहीं पिएंगे तो किसका पिएंगे, पिएंगे उसका खून। अपने इष्ट के लिए क्रोध नहीं किया तो क्या किया। यह भी कभी कभी गलत फहमी होती है, लोग कहते हैं कि बाप जी को कोई गाली निकाल दे और अपन प्रतिवाद करते हैं तो कई दूसरे सत्संग कहते हैं क्या हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए, बाप जी रोज कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे भाई कोई मेरे को गाली निकाले, कमल को गाली निकाले तो कमल का फर्ज है कि सहन करे। मेरे बाप जी को गाली निकाले उसके पहले या तो मैं मरूंगा या वो मरेगा, फर्ज तो मेरा यही है। इतना नहीं होता तो अपन फर्ज से चूकते। तो वो नाई घबराया और बाप जी के चरण पकड़ करके, बाप जी बचाओ बचाओ महाराज बचाओ, मेरी गलती हो गई। बाप जी ने देखा कि अरे सूरज बिहारी क्रोध में आ गया है और सूरज बिहारी अभी गुस्से में इसका सर फोड़ देगा तो एक बात का बतंग्र बन जाएगा, बेचारा ये तो अनजान है, मूर्ख है, नादान है, किसी के बहकाने से आ गया होगा, इसकी कोई गलती थोड़ी है, संतों को तो गुस्सा आता नहीं। बाप जी ने देखा सूरज बिहारी का क्रोध चरम सीमा पर है और ये सरलता से शायद मानेगा नहीं, इसलिए बहुत जोर से बाप जी ने डांटा, सूरज बिहारी क्या करते हो, रखो फल। तो बाप जी ने जब जोर से डांटा तो सूरज बिहारी सख पकाए एक कदम पीछे थे। फिर बोला बाप जी आप नहीं जानते, दुष्ट बड़ा दुष्ट है ये लोग शहर में क्या क्या नहीं बोलते हैं, आज तो बस इसका हिसाब होके ही रहेगा। बाप जी ने देखा ऐसे मानेगा नहीं, बाप जी को तो उस गरीब को बचाना था ना नाई को। बाप जी ने कहा अरे मूर्ख, हमने कहा रख दे तो रखता नहीं है, क्या कहा हमने, रख उखल को, रखता ही नहीं रखता है। तो बाप जी ने इतने कड़क शब्द कहा तो रखा। बोला बाप जी ये लातों के बूंद हैं, बातों से नहीं मानते। बाप जी ने कहा चुप। नाई ने देखा जान बची और लाखों पाए, अच्छा महाराज चलते हैं, चलो भाई चलो, सब बाहर से रवाना हुई, बीत गई वापस, वो घटना तो बीत गई। बाप जी ने उस बात को, यह घटना जब हुई तब शायद मैं जन्मा नहीं होगा, रामद्वारा था, इसका मतलब गुरुद्वारे की नींव नहीं रखी गई थी, तब की यह घटना है तो मेरा जन्म नहीं हुआ, अपने जो यहाँ बैठे उनमें से अधिकांश का नहीं हुआ होगा। बाप जी के मुखारविंद से मैंने ये बात बचपन में, अब मैं सही संख्या नहीं बता सकता लेकिन मेरा अनुमान है, मैं झूठ नहीं बोलने की कोशिश करता, मैंने कम से कम 400-500 बार सुन ली। बाप जी कहते थे सूरज बिहारी का, माता साहब फरमाते थे अपन सबने सुना, सूरज बिहारी जी का प्रेम दिव्य था, लाजवाब था, अपने आप में अनोखा था।
बाप जी साहब अनेक बार याद करते हैं कि बाप जी साहब के वचन उनके मुखारविंद से जो मैंने सुने जैसा मेरे को अब याद है। बाप जी फरमाते थे, वह सूरज बिहारी माई का लाल, कौन बोल रहे ये शब्द? बाप जी साहब। वह माई का लाल 1500 आदमियों के बीच में अकेला डट गया कि किसकी माँ ने अजमा खाया है जो मेरे बाप जी को बोलता अभी तो मैं जिंदा हूँ, आओ मेरे से। पहले सूरज बिहारी से बाहर आए थे ना, बाप जी अंदर विराजमान थे, तो उन्होंने भीड़ को देख करके वहां ऐसा बोला था, कौन है झगड़ा करना? आपने कोर्ट को उतार करके फेंका, बोला जिसको जिसकी माँ ने अजवाइन खाई वो आ जावे मेरे से झगड़ा करना, अभी तो मैं जिंदा हूँ। तो कोई उठा ही नहीं, फिर अंदर गए थे। बाप जी ने कहा कि इस तरह से सूरज बिहारी अकेला 1500 आदमियों के सामने डट गया। इस प्रेम को बाप जी याद करते थे और बाप जी इस बात पर रीज गए, ये इस बात का सबूत था कि बाप जी ने सैकड़ों बार इस बात को याद किया। अब मैं क्या अर्ज करने वाला था, अपने प्रसंग कर रहा था कि जय ही करुणा कर कीनन को, जिस पर एक बार करुणा की उस पर फिर कभी नाराज नहीं हो सकते, ऐसा अपने बाप जी का विरद है, ऐसे अपने गुरुदेव हैं। वही सूरज बिहारी जी, अब उनका ऐसा स्वभाव था दबंग, तो दबंग स्वभाव तो उनका जन्मजात था। 1945 का समय आया, 44-45 सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की गठन किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। सूरज बिहारी जी के मन में भी देशभक्ति उमड़ी, बोला कि देश के लिए अपना भी फर्ज है, जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे हैं तो अपने को भी देश के लिए लड़ने के लिए फौज में जाना चाहिए। तो बाप जी से प्रार्थना की कि बाप जी अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे हैं, मेरे मन में आता कि मैं भी जाऊं लड़ूं, नौकरी छोड़ूं। देशभक्ति की बात बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन बाप जी उनका वह समय, आगामी समय, बाल बच्चों का भविष्य जो शरण में होता है उसका सारी जिम्मेदारी गुरुदेव अपने ऊपर लिए चलते हैं। तो गुरुदेव तो दयालु थे, आगे की बात भी जानते थे, सूरज बिहारी जी का भला भी जानते थे, देश आज़ाद कब होगा ये भी जानते थे, अपना क्या फर्ज है वो भी जानते थे। जीव का फर्ज इतना ही है शरण में आए हुए का कि जैसा बाप जी चाहें, जैसा बाप जी आज्ञा दें वैसा कर दे, अपना दिमाग न लगाए, अपना ज्ञान समझ को छोड़ दे। सूरज बिहारी ने जब ऐसा अर्ज किया तो बाप जी ने कहा, सूरज बिहारी देशभक्ति की बात अच्छी है लेकिन तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम्हारे 3-3, 4-4 लड़कियां हैं, मामूली छोटी नौकरी है, उन दिनों में क्या तनख्वाह मिलती थी, बहुत कम, गुजारा नहीं होता था। अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने जाओगे तो अंग्रेजों की नौकरी तो गई, बाद में लड़ाई जीतते हैं कि हारते हैं उसका पता नहीं, इसलिए अच्छा रहेगा कि अपनी नौकरी करते रहो, भाई तुम्हारी ऊपर गृहस्थी की जिम्मेदारी है। देश तो जब आजाद होना होगा, समय आएगा तब कुदरत अपने आप को जरिया खड़ा करेगी, कोई बात नहीं छोड़ो इसको। सूरज बिहारी जी, अब जीव का अपना अपना भाग्य होता है, इसमें कोई सूरज बिहारी जी का दोष नहीं, क्योंकि जीव संज्ञा में है तो कभी भी आदमी चूक सकता है, कोई बड़ी चूक नहीं लेकिन चूक तो चूक ही होती है। सूरज बिहारी जी का नहीं, बात इस अंग्रेजों की नौकरी मेरे से नहीं होगी, मैं तो जाता हूँ लड़ाई करने, नौकरी छोड़ करके चले गए। और उसके 4-6 महीने बाद में वहाँ वो तो जो होना होनी थी वही हुआ, आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस तो मारे गए प्लेन क्रैश में, आजाद हिंद फौज डिसमेंटल हो गई, नौकरी गई सो गई, वापस आ गई। अब खाने पीने के भी समस्या ज़्यादा कठिन हो गई, तो बाप जी से निवेदन किया कि बाप जी भरतपुर के थे, बोला यहाँ आप क्या करेंगे प्रदेश में रखे, अब मुझे आज्ञा दीजिए भरतपुर में बाप जी जाओ भरतपुर में। अब ये अवज्ञा हो गई, सूरज बिहारी जैसे सत्संगी पर अवज्ञा हो गई, इस बात का विचार करने के लिए मैंने ये बात नहीं की है। मेरा और इस सत्संग के समाज में जितने लोग बैठे हैं अपने में से किसी की भी हैसियत नहीं है सूरज बिहारी जी के आचरण पर, सूरज बिहारी जी के किए हुए काम पर अंगुली उठा सके, अपन तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, सूरज बिहारी जी के चरणों की मैं तो धूल भी नहीं। बात तो उन्हीं के मुंह से सुनी हुई है इसलिए कह देता हूँ, शिक्षा लेने के लिए कहता हूँ। बाप जी के विरद को की बड़ाई और बड़प्पन और महानता को याद करने के लिए कहता हूँ कि ऐसी गलती होने के बाद भी उसके आगामी उनके आगामी जीवन में, अब होनहार था
प्रारब्ध ऐसा ही था, संकट आर्थिक संकट आगे भागे में लिखा था, इसी में उनका भला होगा, ऐसा ही हुआ। लेकिन बाबजी साहब के मुखारबिंद से मैंने 400-500 बार वह बात सुनी और ये बात एक बार भी नहीं सुनी। फिर मुझे पता कैसे चली, मैंने नहीं सुनी, बिल्कुल सत्य बात है, बाबजी साहब ने विराजमान। ये तो मैंने बाबजी माता जी साहब से बाद में पूछा, मैंने कहा सूरज बिहारी जी साहब फिर भरतपुर क्यों चले गए, नागौर में बाबजी के रिटायर होने के बाद में यही रहते और उसके बाद में उन बहुत आर्थिक संकट में घिरे, ये मुझे पता था। मैंने देखा बचपन में उनकी बच्चों की शादियां जब तय हुई तो बाबजी साहब ने अपनी तरफ से मदद का हाथ वहां बढ़ाया, बाबजी की दया से हुई। एक लड़की की शादी तो बाबजी के परम धाम पधारने के बाद हुई, माता जी साहब ने दया करके करवाई। तो मैंने माता जी साहब से पूछा कि ऐसा क्या हो गया, भरतपुर क्यों गए, क्या हुआ? तो माता जी साहब ने मुझे ये बताया, बाबजी साहब के मुखारबिंद से मैंने नहीं सुना, किसी सत्संगी भाई ने सुना हो तो अलग बात है। बाबजी साहब ने रहते न प्रभु चित चूक किए की, ऐसा कभी नहीं कहा। सूरज बिहारी ने कहना नहीं माना तो भैया भुगते, अब लड़कियों की शादी तो हम कहा चले, हम तो साधु में फकीर हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी गंदी जबान है, ऐसा संत सोच छोड़ सकते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की, सूरत करत सहबार ही, ये किया ने प्रेम की, प्रेम की बात को 100 बार याद करते हैं, चूक को 1 बार भी याद नहीं करते। ये किताबों में लिखा हुआ बिरद है, ये बात सही है, महापुरुषों ने फरमाया तब तो आज अपन विचार करते हैं, लेकिन ये अपने बाप जी साहब इतना कहने से बाप साहब की महिमा हो नहीं गई कहीं भी, वो इससे अनंत गुणा अगाध है। ये तो छोटी मोटी बातें जो दया करके उन्होंने समझा दी, अपनी ओछी बुद्धि में डाल दी, उनको अपना छोटी ओछी बुद्धि के तरीके से याद कर पाते, इसके अलावा चारा नहीं है। तब है यह कि एक बार भी मैंने ये बात बाप जी के मुखारबिंद से नहीं सुनी, और मैं आपसे सत्य कहता हूँ मैंने 400-500 बार से ज्यादा ये जरूर सुना होगा कि वाह सूरज बिहारी शेर का बच्चा। मैंने कहा था अभी एक शब्द माई का लाल, ये भूल गया था, ये हरदेव जी भाई साहब जानते हैं, बचपन में बाप जी के चरणों में लोटे हुए हैं, ये भी सुने हुए हैं, वो सूरज बिहारी शेर का बच्चा, वो सूरज बिहारी एक माई का लाल 1500 आदमियों के सामने अकेला बिट गया। सूरज की करत सह बार ही है कि जो प्रेम की बात है उसको सैकड़ों बार याद करते हैं, और जो चूक हो गई उसको आंख भी मूंद लेते हैं। भगवान ने भी ऐसा ही किया, सुग्रीव और विभीषण को भरत जी से जब परिचय कराया तब बोला कि भाई ये मेरे तुमसे ज्यादा प्रिय हैं। अयोध्या जब लौटे तो साथ में सुग्रीव भी थे विभीषण भी थे, जब भरत जी से परिचय कराया भगवान ने बोला कि मेरे ये तुम तेरे समान मेरे को ये भी प्रिय हैं, और ये मेरे युद्ध के सागर में मेरे लिए नाव बन करके युद्ध के सागर को पार करने के निमित्त कारण बने, ये मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। ते बढ़ते ही बेटक सन्माने राज्यसभा रघुवीर बखाने, फिर राज्यसभा जुड़ी तब वशिष्ठ जी के सामने फिर उनके सुग्रीव के विभीषण के उपकारों को याद किया। ये नहीं कहा कि भाई ये आदमी तो अच्छे थे, हमने इनके भाइयों का भारी संकट था, भाई सुग्रीव के लिए काल रूप था, रावण विभीषण के लिए काल रूप था, हमने इनको बचाया और बाद में देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने बड़े भाइयों की औरतों को घर में डाल दिया, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। उधर तो ध्यान ही नहीं देते ना, ऐसे अपने गुरुदेव हैं। तो अभी अपना विचार चल रहे थे कि जय करुणा कर की न को गई बहोर गरीब निवाजो सरल सबल साहिब, गई बहोर का मतलब जो बाजी हाथ से चली गई। कई बार अपने सामने दुनिया के ऐसे प्रसंग और ऐसी परिस्थितियां आके खड़ी होती है कि अपने लाख कोशिश करने के बाद में बाजी हाथ से गई तो गई, लेकिन उस गई हुई बात को भी वापस हासिल करवाने की ताकत अपने में तो है नहीं। प्रारब्ध उल्टे हों तो कर्मों के चक्र के आगे किसका जोर चलता है, अपन तो वैसे ही निर्बल है, पराधीन है, बंधन में है, अपना क्या जोर चलेगा।
लेकिन वो गुरुदेव दयालु हैं, गुरुदेव समर्थ हैं, गुरुदेव करुणा के सागर हैं, गुरुदेव को हम पर दया आती है, अपने बच्चों को तकलीफ में देखते हैं तो गई हुई हारी हुई बाजी जिता देते हैं। अब उचित समय नहीं है वो बात कहने का, अभी अपने जीवन काल में, अभी इन 7-8 सालों में, अभी 4-6 महीने में बाप जी साहब ने ऐसी दया की, जिन बातों को अपन ने छोड़ दिया था कि अपने बस की नहीं है, छोड़ो, जो बाप जी की मौज होगी सो होगी। तो ऐसे ऐसे कठिन काम जो 30-30 सालों से अटके थे, जिनके लिए कोई कोशिश नहीं करी, मन में था कि ये तो अपने फेवर का, यानी कि जो जैसा अपने हक में है दुनियावी दृष्टि से, उस तरीके से इन मामलों को अपन सेट कर पाएंगे, इसकी कोई आशा नहीं थी, इसलिए उनको लावारिस छोड़ दिया। ऐसे काम को जब बाप जी ने संभाला तो गई बहुत वापस हासिल करा दिया। ऐसा का ऐसा मामला उस समय भी एक ऐसा केस और चला था, गुरुद्वारे के पंजीयन का माता जी साहब ने हुक्म दिया और बाजी हाथ से गई, यानी गई, कमिश्नर साहब ने हम लोगों के खिलाफ फैसला कर दिया। तो बाजी तो गई, लेकिन गई बहु और गरीब निवासी। ऐसा नहीं है कि यही उदाहरण मुझे लेने चाहिए, अनंत उदाहरण है, हर आदमी के जीवन में मिलेंगे, ये तो सार्वजनिक है इसलिए मैं बोलता हूँ। वहां पर भी हाईकोर्ट में गई हुई बाजी को ऐसे जिता दिया अनायास, बिल्कुल फर्जी तरीके से भी, फर्जी वर्जी अपने लिए है ये बात, वो समर्थ है उनके लिए क्या फर्जी क्या बिना फर्जी, चाहे जैसे करें, समर्थ को नहीं दोस्त घुसाई रवि पारक सुथर की नाई, समर्थ है वो चाहेंगे वो ही होगा। उस बात से अपन लाभ भी उठा सकते हैं और उसी बात से हानि भी उठा सकते हैं। अपने को यदि बाप जी की सेवा करने का सही तरीका नहीं आता, अच्छे काम से भी हानि उठाई जा सकती है, ये किसी को सीखना हो तो मेरे से ही सीख ले, और अपन सब जानते हैं, अच्छा काम शुरुआत करते हैं बाद में बिगड़ जाता है, क्यों करना नहीं आता। तो ऐसी गई हुई बाजियां भी वापस दिलाते, क्यों, गरीब नवाज है, गरीब के पक्ष में है। दो बातें मैंने कह दी जो नहीं कहनी थी, लेकिन फिर अगर विचार करते हैं तो इन दो बातों में जो गरीब यानी कमजोर पक्ष था उनकी बाजी जीता ही है बाप जी ने। उस पुराने केस में भी जो कमजोर पक्ष था उसको जीता लिया, और इस समय जो घटना घटी उसमें भी जो कमजोर धड़ा है उसको जीता दिया। इसके लिए गर्व नहीं करना चाहिए, मोटे बोल नहीं बोलना चाहिए, अनुचित है, ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है बाप जी के दरबार की सत्संग, लेकिन उन्हीं के विरुद्ध को याद करते हैं, इसमें अपना कुछ नहीं, ये तो उनका विरुद्ध हुआ, गई बहोर गरीब निवाजो, गरीब का संरक्षण करते हैं, गरीब को निभाते हैं, गरीब का, दुनिया में गरीब अगर संत न हो, मालिक गरीब नवाज न हो, गुरुदेव गरीब नवाज न हो, तो गरीबों का क्या होगा। माया तो गरीब के पक्ष में है ही नहीं, और यहाँ तो माया का ही अखंड राज है। गरीब का मतलब वो नहीं है जो पैसे से, जिसके पास पैसे कम है, जो धन से वंचित है उसका नाम गरीब नहीं है, गरीब नाम मोहताज का है, जो दुनिया में मोहताज है बेचारा, कोई उसको सुनने वाला नहीं, कोई उसका धनी धोरी नहीं, उसके पास साधन नहीं, सामर्थ्य नहीं, कुव्वत नहीं, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, मददगार नहीं, वो गरीब है। और यदि बाप जी की कृपा अनायास और बिना कानून बिना लायकियत प्राप्त करनी है तो तरीका भी बड़ा सुंदर है, गरीब बन जाओ दया तो दया होने वाला है। बाप जी गरीब नवाज हैं, जब सचमुच देख लेते हैं कि ये हो गए गरीब, इनका तो बस का नहीं है, तो यदि अपने अंदर नम्रता है, दीनता है, किसी कारण से उन्होंने नम्रता दीनता निभा दी तो निभाते हैं, ऐसा सदा से ही होता है। सुदामा जी गरीब नहीं थे तो निभा दी उनकी, सबकी निभाते हैं, तो मालिक इतना ही दयालु है, गुरुदेव की दया तो मालिक से भी अनंत गुणा है। तो बाप जी को खुश करने का तरीका भी यही है कि गरीब बन जाए, गरीब यानी मोहताज, गरीब यानी जो धन से रहित है, जो धन से खाली है, उसका नाम गरीब नहीं,
ये प्रसंग बार बार आता है और बड़ा विचित्र लगता है कि जिसके पास पैसा है वो भी गरीब हो सकता है क्या। तो मैं दो चार बार तो ऐसा प्रसंग पहले आ चुका है, मैं निवेदन कर चुका हूँ, हाँ गरीब तो हूँ। अब धर्मदास जी अपने समय के सबसे बड़े धनाढ्य थे। बाप जी साहब ने फरमाया अपने प्रवचनों में, विदेशों से उनके माल की जहाजें आती थी और जाती थी, तो उनके पैसे का तो कोई सीमा नहीं थी। धर्मदास जी साहब ने प्रार्थना किया है, धर्मदास गरीब को अपना कर लीजिए। क्या झूठ बोला? नहीं, झूठ नहीं बोला, वो गरीब थे। तो इसका मतलब है पैसे से गरीब और अमीर नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, पैसे से गरीब और अमीर नहीं होते। संतों की नजर में गरीब पैसे से और निर्धनता से, गरीबी संतों के यहां नहीं आंकी जाती। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण, ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए बाप जी साहब ने प्रेम प्रकाश में बाप जी के वचनों में एक जगह गरीब शब्द आया है। कितने पेज पर है वो मुझे अभी याद नहीं। अब गरीब का जो कठिन शब्द है उसके वाणी वचन में नीचे फुटनोट में अर्थ दिए हैं। प्रेम प्रकाश में जो भी फुटनोट में लिखा है बाप जी साहब ने खुद ने ही अर्थ करके लिखा है। बाप जी साहब ने अपनी देखरेख में छपाई थी ये पुस्तक। अभी तो वही समाप्त अब हुई है, दूसरी बार भी नहीं छपी। बाप जी साहब ने जो 1955 में छपाई थी वही प्रेम प्रकाश की, जितनी बाप जी ने छपाई वो अब पूरी हुई है। तो उसके अंदर बाप जी ने गरीब शब्द का नीचे अर्थ लिखवाया। अब सोचो, गरीब शब्द का अर्थ सब जानते हैं, लिखवाने की जरूरत। यदि गरीब शब्द का वही अर्थ होता जो अपन जानते हैं तो नीचे बाप जी उसका अर्थ क्यों लिखवाते। बाप जी साहब ने वहां अर्थ लिखवाया गई बहोर गरीब, नहीं, बाप जी साहब ने गरीब का अर्थ लिखवाया, गरीब के ऊपर एक नंबर निशान लगाया, नीचे फुटनोट में लिखा जो सूरत शब्द की मोहताज है वो गरीब है। कौन गरीब है? जो सत्संगी गुरुदेव का मोहताज है, जो अभ्यासी सूरत शब्द की मोहताज है। दुनिया में उसका कोई नहीं सिवाय सतनाम सतगुरु शब्द के, जिसका गुरुदेव के अलावा कोई नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, सब है माँ बाप तो, पास में रुपये पैसा भी है, भाई बंधु भी है, मकान जायदाद भी है, मान सम्मान भी है, लेकिन वो उसको अपना नहीं मानता। गुरुदेव का मुंह जोता रहता है, गुरुदेव राजी खिल गए तो उसका दिल खिल गया, गुरुदेव ने नजर फेर ली तो उसका तो ताजिया ठंडा हो गया। जो इस तरह से मोहताज है उसका नाम गरीब है। बाप जी साहब के तो वो शब्द इतने हैं जो सूरत शब्द की मोहताज है, ये गरीब का अर्थ। तो वैसी मोहताज की लावे, गुरुदेव के मोहताज हो जावे तो गुरुदेव गरीब नवाज है, फिर अपना काम बन जाए। जिसके रक्षा करने वाले, जिसकी मदद करने वाले, जिसके काम संवारने वाले बाप जी खुद तैनात हो जाए, अब फिर उसका कौन सा काम अटकेगा, अटक सकता है क्या? बड रखवार रमापति जासू, सीम की चांप सकई कोई तासू। बाप जी साहब ने इस उपाय को अपने प्रवचनों में कई बार उदाहरण के तौर पे काम लिया, रामायण की उपाय कि जिसके बड़े रखवाले वह मालिक और गुरुदेव स्वयं हो गए, क्या उसकी सीमा को कोई दबा सकता है क्या? कमजोर की खेत की सीम को कोई भी दबा लेता है थोड़ी सी, हर बार थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन जिसके रखवाले समर्थ गुरुदेव खुद हो गए, सच्चे मालिक खुद हो गए, उसकी सीमा को दबाना किसी के बस की बात नहीं है। तो गरीब नवाज वही होंगे जब अपन गरीब होंगे। तो मालिक गुरुदेव इतने दयालु हैं, कई बहोर गरीब नवाज वो सरल सबल साहिब, वो सरल हैं, सबल हैं, सच्चे साहिब हैं। ऐसे गुरुदेव जगत में पधारे, जगत के जीवों पर अनंत अनंत दया की लहर सतदेश से उठी, तो वही मालिक नर शरीर धारण करके आज से 109 वर्ष पहले उस केतापुर की पवित्र भूमि पर उन महान पुण्यात्माओं के बड़ भागी माता पिता के घर में, माँ की गोद में आज प्रकट हुए। अपन लोगों के नसीब जग गए, जैसे लंका वासियों को प्रयागराज का स्नान कितना दुर्लभ, अब तो सरल हो गया, हवाई जहाज चलती है, सब चलते हैं, पानी के जहाज चलते हैं, लेकिन आज से 1000-2000 साल पहले या त्रेता द्वापर में जब नहीं चलते थे तब क्या होता था, तो लंकावासी इस बात के लिए तरस से थे कि हम कब प्रयागराज में स्नान कर पाएंगे, ये तो नसीब में लिखा ही नहीं है।
अपने को ऐसे सच्चे संत सदगुरु सच्चे मालिक नर स्वरूप में कैसे मिलते यदि वो खुद दया करके नहीं आते। तो ऐसे गुरुदेव का आज प्रकट दिवस है, उन्होंने दया करके खुद अपनी मौजूदगी में ये वार्षिक सत्संग कायम किया। पहले ये सत्संग इस तरह से नहीं होती थी, जब गुरुद्वारा बनकर के संपूर्ण हुआ तब गुरुद्वारे के उद्घाटन का महोत्सव चैत्र शुक्ल पक्ष में बाप जी ने रखा, दुलंडी के दिन गुरुद्वारे के ऊपर झंडा फहराया गया। लेकिन उसके अगले साल से फिर बाप जी ने जेठ के महीने में किया, पहले जेठ की एकम से, जेठ शुक्ला एकम से पूर्णमासी कबीर साहब का प्रकट दिवस है वहां तक किया। उसके अगले साल से कुछ भाई बहनों की प्रार्थना थी, बाप जी ने उनमें प्रेरणा की, उन्होंने बाप जी से प्रार्थना की, उसको मंजूर फरमाया कि बाप जी चौथ के दिन आपका प्रकट दिवस है, दया करके चौथ से पूर्णमासी ठीक रहेगा, ऐसी मंजूरी फरमाई है, बाप जी ने मंजूरी फरमाई। तो उन्होंने बाप जी ने सत्संग के समारोह में कई बार जब फरमाया करते थे तो ये फरमाया, पुराने सत्संगियों को याद आएगा, बाप जी कहते थे भी ये वार्षिक सत्संग वार्षिक परीक्षा की तरह, साल भर में अपन ने जो किया, पिछले साल इस वार्षिक सत्संग में शामिल हुए, एक साल अपने अपनी जिंदगी का अनमोल और बताया, अब क्या घाटा रहा क्या मुनाफा रहा, क्या बाप जी की पसंद का कोई काम कर पाए नहीं कर पाए, कितना कर पाए, नुकसान का काम हो गया है क्या, आगे के लिए पक्का संकल्प करें, गलतियों के लिए पश्चाताप करें, बाप जी से प्रार्थना करें, और कुछ न हो तो हमें दया करके ऐसे कामों से तो जरूर बचाइए कि जो आपको प्रिय नहीं हो। हम तो ये भी नहीं जानते कौन सा काम आपकी मौज के अनुकूल है, कौन सा काम आपकी मौज के प्रतिकूल है। हमारा मन तो धोखा बार बार देता है, और कुछ नहीं हो तो अपने चरणों के हुजूर में तो रखिए, उठते बैठते प्रणाम करते दर्शन करते एक प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, अरज य सतगुरु करो मंजूर रखो मोहे हाजिर चरण अजूर। मांगने में क्या लगता है, जब सामने ऐसे दाता बैठे हैं कि जो कब मांगे और कब देवे इंतजार कर रहे हैं, तो मांग के देखिए, बाप जी तो दूर है नहीं, बाप जी के चरण पास में है, बाप जी पास में है। बड़ा सुंदर भजन है, यदि अपन एक ही बात पकड़ लें इसकी, पूरी उम्र हर क्षण हर श्वास में यह मांग करें, अर्ज या सदगुरु करो मंजूर, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लें, आप के चरणों में हाजिरी देने लायक तो मैं कभी भी नहीं हूं और न कभी हो सकूंगा, ऐसी गुंजाइश नहीं, आप ही दया करके अपने चरणों में रख लीजिए, छोटा बच्चा समझ करके। देखिए बड़ा आदमी बदमाशी करता है, गंदगी फैलाता है तो उसको ओला ना मिलता है, छोटे बच्चे बनकर के रहे तो वहां गंदगी करो तो कौन तकलीफ है। माता जी साहब के समय में ऐसा, भाई बहनों को पता है, दो चार बिल्कुल छोटे बच्चे, 6 महीने के 4 महीने के, बाप जी ने गोद में लिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, देखे वाला कहता अरे अरे बाप जी पेशाब कर दिया, अरे क्या हो गया लाओ बदल लेते, बच्चे की गलती नहीं देखी जाती। तो बाप जी के हुजूर में रहने का तरीका एक ही है, अबोध बालक बनकर के उनकी शरण ले, रात दिन ही मांगे, बाप जी आपकी गोद से हम दूर न, समय तो हो गया है लेकिन मेरी इच्छा है कि इस भजन को एक बार बोल ले। उठत मेरे मन में नीत उचंग, प्रेम का
की